हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। और इस बार हम कवर कर रहे हैं सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आरटीपी फॉर नवंबर 2024। बताइए दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने कोई मेजर नए क्वेश्चंस इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किए। 20 क्वेश्चन है जिसमें से 10 एमसीक्यू है, अभी अपन सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा बचे हुए 10 में से 4 क्वेश्चन नए, बाकी 6 एज इट इज रिपीट ऑफ पास्ट आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है। सिर्फ नए नए क्वेश्चन जो ऐड हुए हैं वो अपने को देखना है, फटाफट मस्त अपनी आरटीपी कवर हो जाएगी। आ जाइए दोस्तों, हालांकि ऑडिट की आरटीपी अच्छी है उसके बारे में बात अलग वीडियो में करेंगे। केस सिनेरियो 1 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है? डी लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 मार्च ईच ईयर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। 115 का है क्या क्वेश्चन? टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 दिया है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2007 के हैं, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर 6-7 है जिसके लिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अक्टूबर 2006 अप्रोच भी देखते जाना, पढ़ते कैसे और समझते कैसे, यानी कि मिड ऑफ द ईयर है। डी लिमिटेड उसी कंपनी की बात हो रही है, कोई नई कंपनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। सोल्ड अ प्रोडक्ट टू कस्टमर फॉर 121,000, ये ट्रांजैक्शन प्राइस आपको दी गई है। अमाउंट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर 2008। देखो डेट पे ध्यान देने का फायदा, दिस इज 2 ईयर 3 मंथ्स लेटर। इसका मतलब कि इसमें फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट शामिल होगा क्योंकि लंबा समय बाद पेमेंट होने वाला है। अपन देखते हैं क्योंकि पेबल बाद में दिया हुआ है, राइट। कॉस्ट आपको दी हुई है 80,000, तो ये कॉस्ट हो गई है। कस्टमर के पास राइट है रिटर्न करने का प्रोडक्ट, ओ फॉर अ फुल रिफंड, भैया पूरे पैसे वापस ले लेना हमसे, अप टू 31 दिसंबर 2006। इसका मतलब 3 महीने में प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है कस्टमर, पूरे पैसे वापस ले सकता है। आगे कहा गया है 1 अक्टूबर 2006 डी हैज नो रिलायबल एविडेंस रिगार्डिंग द लाइकलीहुड ऑफ द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट बाय कस्टमर। मतलब ऐसा है दोस्तों, इंडेज 115 कहता है कि सेल विथ राइट टू रिटर्न के केस में क्या करना है, अगर आपके पास एविडेंस है जो उससे ये प्रूव होता है कि चांसेस प्रोडक्ट रिटर्न आने के कम है, यानी रिफंड अनलाइकली है, तो आप रेवेन्यू बुक कर लो, अदरवाइज आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे जब तक कि श्योरिटी ना आ जाए। सेकंड, अगर कंट्रोल आपका प्रोडक्ट से चले गया तो उस केस में आपको अपनी बुक्स में इन्वेंट्री की बजाय असेट अलग से बुक करना पड़ेगा, जितनी की इन्वेंट्री की कॉस्ट है माइनस द कॉस्ट टू रिटर्न बैक द गुड्स। अगर आपका गुड्स के ऊपर से कंट्रोल नहीं गया है तो ये कंसाइनमेंट सेल जैसी है, ये स्टॉक विद कस्टमर जैसे इन्वेंटरी बुक्स में देखेगा। ये 115 का प्रोविजन है। आगे देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट वॉज नॉट रिटर्न बाय द कस्टमर बिफोर 31 दिसंबर 2006। क्या घुमा के बोला है नॉट रिटर्न, मतलब भैया उसने एक्सेप्ट कर लिया, बधाई हो सेल हो गई, एंड सो द राइट टू रिटर्न फॉर कस्टमर एक्सपायर्ड। On both 1st October 2006 and 31st December 2006, cash selling price is 1 lakh. The relevant annual rate for discounting is 10%. Okay, इसका मतलब क्या है दोस्तों? Cash price आपकी है तो इसी को transaction price माना जाएगा क्योंकि इसमें finance component included है। अब सवाल पूछ लेंगे ये कि शायद आपसे revenue कभी book करना चाहिए और उसके basis पे अपने को discussion करना पड़ेगा। अभी मजे की बात ये है कि ये point पड़ा है, इसके basis पे कुछ questions है वो कर लेते हैं अपन। When and by what amount revenue should be recorded in respect of sales made on 1st October 2006? तो दोस्तों, क्योंकि आपके पास past experience नहीं है तो बेहतर है कि आप revenue recognition postpone करोगे जब तक आपको surety नहीं आ जाती, यानी कहाँ ले जाएंगे? Excuse me, चलिए। तो by and what amount the revenue to be recognized with respect to sales made on 1st October 2006 पूछा। तो अगर आपके पास surety नहीं है तो आप revenue recognition postpone करोगे, कब करोगे आप? 3 महीने पूरे होने के बाद। इसका मतलब it should happen on, और इतना समय दिया गया है टोटल आपको यहाँ पे दिया गया है 1st October वी हैव नो रिलायबल एविडेंस एंड 31st December से पहले रिटर्न नहीं हुआ और रिटर्न डेट 31 दिसंबर थी, तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए रेवेन्यू बुक होएगा 31 दिसंबर पे। अब ये ऑप्शन तो सिर्फ डी में ही है तो यहाँ पे दे देंगे, ये पहली गलती। FR में इतनी खराब हालत है इंस्टीट्यूट की कि कुछ भी नया बनाते हैं तो गलती कर ही देते हैं यार, कि ये तो ठीक है छोटी मोटी गलती है, ये फर्स्ट नहीं है, 31 दिसंबर होगा। ऐसी और भी गलतियां करी क्या नए क्वेश्चन में? तो अभी डिस्कस करेंगे, छोड़ो अपन इसकी बात कर। और रेवेन्यू कितना बुक होएगा? सीधी सी बात है 1 लाख रुपीज, फॉर द सिंपल रीजन कि 1,21,000 इज इंक्लूसिव ऑफ 10% इंटरेस्ट। तो आप 2 साल का अगर हटा दोगे इसमें तो ये 1 लाख कैश प्राइस के बराबर आ जाएगा। तो उस सेंस में भी आपको ऐसी ट्रिक भी कभी क्वेश्चन यूँ भी समझ नहीं आया तो ऐसे भी देख लेना कि भैया 1,21,000 2008 में पे होना है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो लाना तय है, रेवेन्यू तो अपने को फाइनेंशियल इनकम हटा के बुक करना है, तो वो 2 साल की बुक करेंगे तो उसकी कैश प्राइस 1 लाख आ रही है, तो वो हिसाब से भी लॉजिकल है, पर ये जुगाड़ है। सेकेंड,
व्हाट विल बी दी फाइनेंस इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू सेल्स इन 2006-07? आप इनकम बुक कर रहे हो 31 दिसंबर पे, कितने की बुक कर रहे हो? 1 लाख रुपीज़ की। तो आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 10%। बट आपको पूछा गया है 6-7 में और आपने इनकम बुक करी है 2006 में, तो आपको सिर्फ 3 मंथ्स की इनकम बुक करना होगी, तो ये हो जाएगी 2500। मजे की बात है, कभी आपसे ये पूछते ना कि 2007-08 में क्या इनकम बुक होगी, तो आपको क्या बोलना होता है कि भैया देखो 7500 इनकम, फर्स्ट ईयर का ब्याज और सेकेंड ईयर का ब्याज लगता, फिर 1,10,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स। अगर कभी पूछते तो ये मैंने आपको सिर्फ ज्ञान दिया है, ना कि 1,02,500 पे 10%। आप समझ गए मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे। चलिए, व्हाट विल बी द ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2007 अगेन सेल्स मेड ऑन 1 अक्टूबर 2000? तो आपकी 1 लाख रुपीज़ की क्रेडिट सेल है, उस पर 2500 का ब्याज बुक हुआ है, तो 1,02,500। आगे देखते हैं अब अपन। फोर्थ क्वेश्चन भी है, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर विद बी लिमिटेड। ये अगले पॉइंट से रिलेटेड होगा, अभी अपन डी लिमिटेड की बात कर रहे थे। 1 जुलाई 2005 डी बिगेन एन अरेंजमेंट टू सेल गुड्स टू अ थर्ड पार्टी बी लिमिटेड, यानी डी किसको गुड्स सेल कर रहा है? बी को। द प्राइस ऑफ द गुड्स वाज सेट एट 100 पर यूनिट फॉर ऑल सेल्स इन 2 ईयर पीरियड फॉर द ईयर एंडिंग 31 जून 2001। तो ये शुरू हुआ 2005 से, खत्म होगा ये 31 जून 2007। तो ये 31 जून 2007 तो डेट होती नहीं है जीवन में कभी, बट कोई बात नहीं, ये ऐसी छोटी मोटी गलतियां एफआर के पेपर में करते रहते हैं, वाहियात बनाते पेपर। चलिए, वाहियात है, छोटी छोटी गलतियां हैं, इससे आप कभी ये छोटी बड़ी हो जाएगी पता नहीं पड़ता है। द प्राइस ऑफ द गुड्स वाज सेट एट 100 पर यूनिट फॉर ऑल सेल्स इन 2 ईयर पीरियड एंडिंग 31 जून 2007। However, if the sale of the product to B Limited exceeded 60,000 unit in 2 year period ending 30th June 2007, then the selling price of all the unit is retrospectively set at 90 per item. So, ठीक है भैया, इसकी selling price 100 रुपये है, पर contingent है, या variable बोलते हैं ना, variable consideration है, variable consideration is dependent on कि आपको total 60,000 units in 2 years लेने हैं। अब यहाँ पे 2 ईयर क्या है, जुलाई 2005 से जून 2007, ठीक है ना बेटा। अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है ये ध्यान रखना है, 6-7, यानी हम इसके बीच में कहीं फंसे हुए हैं। हमारा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2006 पे और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2007 पे, ये अपना पीरियड है, ये जून इसके बाद आएगा 30th जून। तो आप बताइए अब इस केस में रेवेन्यू कैसे बुक करते हैं। तो आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स ऑफ गुड इन 9 मंथ पीरियड, तो आपको चाहिए तो एक टाइमलाइन बना लो और इस टाइमलाइन में आप बोल दो शुरुआत हुआ है कब, 1 जुलाई 5, 31 मार्च 6, 31 मार्च 7 और 30th जून 7, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स फॉर 9 मंथ पीरियड 2006 एंडिंग 20,000 है, और ये बोल रहे हैं कि दिस वॉल्यूम वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। आप बताइए कि अगर 20,000 आपने 9 मंथ्स में बेचे हैं तो 54,53,000 एक्सपेक्टेड है, विच इज लेस देन 60,000। आप बोल सकते हो कि जो 100 पर यूनिट अभी अपन बेच रहे हैं प्राइस, वही एक्सपेक्टेड प्राइस है, तो आप रेवेन्यू 100 के हिसाब से बेच दो, बुक कर दो। However, 2007 total sales of goods to B limited were 35,000. तो यहाँ 20,000 यूनिट हुए। अब ये बोल रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 2007, यानी 35,000 यूनिट्स हमारे टोटल अभी तक सेल नहीं हुए, फॉर द ईयर एंडेड इस साल में सेल हुए, 35 और बिके तो 55 हो गए। बेस्ड ऑन करंट ऑर्डर एस्टिमेट वॉज रिवाइज एंड नाउ इट इज एस्टिमेटेड कि टोटल सेल्स 2 ईयर पीरियड विल बी मोर देन 60,000 यूनिट। तो अब हमारा एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया, यहां पे आपने सेल्स कितने से बुक करी होगी, 100 यानी 20 लाख। यहां पे आपको क्या करना है, भले आपको पैसा 100 रुपए से मिला है, ये कैश आई है आपके पास क्योंकि अभी भी 60 एक्सीड नहीं हुआ है, बट आपका रेवेन्यू कितना बुक होना चाहिए, तो 35,000 पे आप 90 से रेवेन्यू बुक करोगे, प्लस पुराने 20,000 यूनिट जो आपने लास्ट ईयर बेचे थे उस पर भी 10 रुपए का रेवेन्यू कम बुक कर दोगे। सो 35,000 × 90 होता है आपका 31,50,000 माइनस 2,20,000, 29,50,000 रेवेन्यू होगा आपका। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं।
What will be the revenue to be recognized in 5-6 in respect of sales? 5-6 पूछा है तो 5-6 में हमारे 20,000 यूनिट बिके हैं, एट द रेट ऑफ 100 ही बुक करना है तो 20 लाख होगा. और what will be the revenue recognized in 6-7 तो 29,50,000 अपन ने निकाला, ये हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, चलो केस सिनेरियो 2 पे आते हैं. तो ये पूरे क्वेश्चन का रिवीजन आपको देखना है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे अभी 115 का एक रिवीजन वीडियो लिया, हालांकि वो एक क्विक रिवीजन है, आप उसको कवर कर सकते हैं. उसमें 115 पूरा कवर हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे. ऐसे आरटीपी बहुत ज़्यादा टिपिकल आई नहीं है इस बार, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट आरटीपी जो मुझे एकदम लगा जिसके क्वेश्चंस खतरनाक थे, वो थी नवंबर 23 के, और नवंबर 23 का पेपर भी बहुत टिपिकल आया था. तो अगर सेम लॉजिक लगाएं तो नवंबर 24 में हमें उम्मीदें हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक रहेंगी. चलिए, हालांकि जैसे आए सीए फ्रेशली क्वालिफाइड 20,000 की नौकरियों में दिक्कत आ रही है, भरोसा नहीं आ गया, इंस्टीट्यूट क्या करेगा. अभी उन मुद्दों को छोड़ो, अपन तैयारी करते हैं, एक भी पास हुआ तो वो मैं होऊंगा. दैट्स द एटीट्यूड. XYZN कंपनी इज एन ऑडिट फर्म. ड्यूरिंग दिस ऑडिट द फर्म इज फेसिंग डिफिकल्टी इन अकाउंटिंग ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड सीक्स योर ओपिनियन. इल्लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर इस Eligible employees. A Limited ने क्या क्रिएट किया है? पेंशन प्लान क्रिएट किया. The balance sheet of A Limited on 31st March 2007 currently includes estimated net liability on 31st March 2006. यानी ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, अगर 6-7 का हुआ तो, अमाउंटिंग टू 18.75 करोड़. अब सबसे पहली चीज समझना दोस्तों, 31st मार्च 2006 पे आपकी नेट लाइबिलिटी दी हुई है 18.75 करोड़. ठीक है, जीरो लिख दिया, एक्स लिख दो, कोई बात नहीं. फॉलोइंग मैटर ऑफ द प्लान टू द प्लान फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2007 इज गिवन. कम ऑन, लेट्स सी व्हाट इट सेज. एस्टिमेटेड करंट सर्विस कॉस्ट एडवाइज बाय एक्चुअरी 6 करोड़. तो इस पीरियड की यानी कि 2006-7 की करंट सर्विस कॉस्ट 6 करोड़ है. ठीक है, 2007 ए पेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 7 करोड़ इन टू द प्लान एंड चार्ज दिस अमाउंट एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये गलत कर दिया, ये एक्सपेंस नहीं है भाई, ये तो असेट है, असेट बढ़ना था. तो 7 करोड़ रुपीज अपन ने प्लान में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और ये इस तारीख पर हुआ है, तो प्लान में हमने प्लस कर दिया 7. एनुअल मार्केट यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑन 1st April 2006 इज 8%. अपन ये मान रहे हैं कि हमारे प्लान एसेट्स पे भी 8% मिल रहा है और जो हमारी ऑब्लिगेशन है उस पे भी हमारा 8% का इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेट लाइबिलिटी दी है और आपको ये नहीं दिया है कि आपकी ग्रॉस लाइबिलिटी और प्लान एसेट कितना है. तो आपको सीधे इसी के ऊपर 6% लगाना होगा. तो आपका ये नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा 18.75 इंटू 6% होता है ना भाई. ड्यूरिंग द ईयर अपन इंड एज 19 में क्या क्या खर्चा बुक करते हैं? तो सर हम बुक करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, ये दो खर्चे बुक होते हैं. इंटरेस्ट इनकम माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे नेट दिया हुआ है, तो ये 1.6875. Estimated net liability on 31st March 2007 was advised by actuary to be 20.5 crore. तो यहाँ पे अब आपकी net liability आ रही है 20.5 crore. तो अब इससे आप ये निकाल सकते हो कि भैया आपका opening plus CSC plus net interest minus plan asset में जो आपने investment किया है, opening आपका net है, तो करंट सर्विस कॉस्ट इस साल की और प्लान एसेट माइनस करके नेट इंटरेस्ट ऐड करोगे तो इससे क्या आ जाएगा आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी जो आना चाहिए. चलो 18.75 प्लस 1.6875 प्लस 6 माइनस 7 19.4375 आनी चाहिए थी. तो ये जो डिफरेंस है ये एक्चुरियल लॉस माना जाएगा क्योंकि नेट लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी. उम्मीद करता हूँ यही सब MCQ में पूछा. No benefits have been paid, ये दिया हुआ है कि क्या आउटफ्लो कुछ भी नहीं हुआ. चलिए, what is the amount of net adjustment to be made in statement of profit and loss for 6-7 with respect to defined benefit pension plan? तो भैया net adjustment क्या पूछा है, तो खर्चा क्या बुक होगा? CSC खर्चा बुक होगा और interest खर्चा बुक होगा. ये 6 है, ये 1.6875 है, तो आपको total खर्चा बुक करना है 7.6875. लेकिन आप ऑलरेडी 7 का खर्चा बुक कर चुके हो, भले ही गलत बुक किया है, तो 0.6875 का एक्सपेंस और बुक होएगा. ठीक है,
तो ये हमारा क्या होना चाहिए था, नेट एडजस्टमेंट टू पीएनएल। अब इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एडजस्टमेंट टू बी मेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 6-7 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। 7 करोड़ एडेड बैक टू प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000। एक बार इंटरेस्ट देख ले अपन ने, सही निकाला है सब कुछ, कैलकुलेशन सही है ना। ओपनिंग अपना कितना है दोस्त, 18.75 इंटू 8%। ओ माई गॉड, व्हाट डिड आई डू, शह, एक भी फिगर मैच नहीं हो रहा था। ये क्या हुआ भैया, 8% 1.5 है, बड़े फिगर ले लिया अपन ने। तो ये 1.5 के कारण ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। 1.5 प्लस 18.75, 6% ले लिया था इसलिए गड़बड़ हो गई। चलो कोई नहीं, 6 दे रहा है, दुरुस्त है। 26.25 माइनस 7, 19.25 आ रही है भाई क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो जो आपका एक्चुअरियल लॉस होगा 20.5 आएगा, 1.25। आपको टोटल खर्चा कितना बुक करना चाहिए था यहाँ पे, 6 प्लस 1.5, ये इस साल का आपका खर्चा है सी एस सी प्लस, ये 7.50 बुक कितना किया है, 7, तो एक्स्ट्रा कितना बुक हो जाना चाहिए, नेट 0.50 करोड़ आपका बुक होएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7 नो 6 नो 5 नो 15 नो, तो क्या है ये, एक बड़ा करेक्शन कर लो, ये 0.5 करोड़ होगा। FR की जय हो। What is the amount of actuarial gain or loss on defined benefit pension plan? तो वो gain loss अभी अपन ने निकाला है 1.25 का आया है। टिक। अब ये तो अलग क्वेश्चन लग रहा है, आठवां, तो इसके लिए नेक्स्ट पढ़ते हैं वाले। हेलो हेलो हेलो, आइए। 1 अप्रैल 2000, क्या मालूम 2x लगा दिए, कभी 1x लगा था। E-Limited completed construction of a non-current asset with an estimated useful life of 20 years. तो भैया non-current asset है जिसकी life 20 साल है. Cost of construction were recognized in property, plant, equipment and depreciated appropriate. सब सही चल रहा है. He has a legal obligation to restore the site on which non-current asset is located on 31st March 2020. यानी 20 साल बाद. The estimated cost of this restoration work on 2020 price is 2.5 crore. तो हमें क्या चाहिए, present value of DRS. The directors of EF made a provision of 0.125 crore, which is 1/20 into 2.5 crore. गलत गलत गलत, ऐसे नहीं करते हैं. Provision present value of DRS का बनता है. In the draft balance sheet on 31st March 2001. तो ये आपका first year खत्म हो रहा है, 2001. 2001 first year. An appropriate annual discount rate to use in any relevant calculation is 6% and this rate, the present value of one is payable in 20 years is 0.312. Ahu, ahu, ahu. तो सबसे पहली बात आप देखिए, आपकी DRS, decommissioning, restoration और similar liability की cost after 20 years है 2.50. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DRS फॉर 20 ईयर्स डिस्काउंट करेंगे तो आएगी 2.50 इंटू 0.312. बहुत बढ़िया, 0.78, और ये क्या हो जाएगी, असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो आपको ये प्रोविजन बनाना पड़ेगा कब, 1 अप्रैल 2000 और 2XX0 जो भी है। उधर आपको पीपी में क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ऐड दिस फिगर। आपका जो भी पीपी है उसमें 0.78 ऐड हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो आपका फर्स्ट ईयर है इसमें एक तो डेप्रिसिएशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 0.78 डिवाइडेड बाय 20। अब अपन इतना सब क्यों निकाल रहे हैं, अपन पढ़ लेते हैं ना, क्वेश्चन में पूछ के आ रहे हैं, वही निकाल लेंगे। वो प्रोविजन जो जाएगा वो आपका 0.78 प्लस आपको हर साल 6% ब्याज बुक करना है, तो फर्स्ट ईयर का 6% ब्याज बुक हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ रिस्टोरेशन 0.78, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन रिटेन्ड अर्निंग ऑन अकाउंट ऑफ रिस्टोरेशन प्रोविजन। ओ माय गॉड, रिटेन्ड अर्निंग में हमें क्या इंपैक्ट देना है, ये बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वन ईयर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन अकाउंट ऑफ रिस्टोरेशन।
अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जो आएगी वो किस पर आएगी, 0.78 पे, ये 6%। ये तो अभी निकल जाएगा, ये कितना है 0.0468, ये हो गया। अब आप देखिए अपने को रिटेन अर्निंग में क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा रिस्टोरेशन प्रोविजंस के कारण। तो आप देखनी हमें आइडियली क्या करना है, तो सबसे पहली बात आपने पीआरएल को, पीआरएल में क्या जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन जाना चाहिए, कितने का वो अपन ने निकाला था शायद, जी हाँ सर कितने का, नहीं 0.78 डिवाइड बाई 20 ईयर्स, क्योंकि एसेट की कॉस्ट में ऐड होएगा तो 20 ईयर्स में डिप्रिशिएट होएगा, तो 0.78 डिवाइड बाई 20 का खर्चा बुक होना था हर साल। जबकि पीओरएल में हमने एक्चुअल में डेबिट कितना कर दिया, 0.125 करोड़ डेबिट किया है। प्लस हमें अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट को भी डेबिट करना था जो अभी आपने निकाला 0.0468, तो ये तो भी डेबिट होना है और ये रिवर्स होगा डेबिट। फिगर आ रहा है, ये एडजस्टमेंट आपको फाइनली ईयर एंड पे करना है। यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था, ये ओपनिंग पूछ रहा है क्या, तो ईयर एंड पे इतना एडजस्टमेंट हो, क्योंकि अपन यही मानेंगे इस साल के सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ठीक है, तो दोस्त चाओ आ जाओ अब इंडेस 12 इनकम टैक्सेस। एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है विच ओन्स अ फ्री होल्ड लैंड विथ कैरिंग वैल्यू ऑफ 10 लाख विच इज नॉट डिप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पज बट इज इंडेक्स्ड फॉर इन्फ्लेशन। ओहो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इंडेक्सेशन पे कितनी सारी बजट में बात हुई और उसका क्वेश्चन यहाँ आ गया। अभी यूपीएस एनपीएस स्कीम की बात हो रही है, पेंशन का क्वेश्चन आ गया, तो चलो रिलेवेंट चीज तो पूछ रहे हैं मजेदार। इंडेक्स्ड वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ सच लैंड इज 15 लाख। इंडेक्सेशन अगर इनकम टैक्स में मिलता है इसके, तो 15 लाख इसकी वैल्यू है, फेयर वैल्यू भी 15 लाख and no sorry fair value is 22 lakh as of the reporting date. What will be the tax base for such freehold land for measurement of deferred tax? तो भैया ये सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहे हैं, टैक्स बेस। XYZ intends to sell it as a part of slum sale of business eventually after using it for business purpose. अपन देखते हैं दोस्तों कि अगर कभी कोई पर्टिकुलर असेट के मल्टीपल टैक्स बेस या मल्टीपल फ्यूचर टैक्स रेट हो सकती है, क्योंकि उसका यूज बेस्ड टैक्स रेट अलग अलग होगा, तो उस केस में मैनेजमेंट का इंटेंशन मैटर करेगा कि आप उसे कैसे यूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स करोगे। अपन क्लास में करते हैं, इनफैक्ट सेम एग्जाम्पल लेते हैं स्लम सेल वाले। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, अब ये एमसीक्यू नहीं है। एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज इन दैट ज्यूरिसडिक्शन इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इफ फ्री होल्ड लैंड इज सोल्ड एज अ पार्ट ऑफ स्लम सेल ऑफ द बिजनेस। सही है, ऐसा रियल में भी होता है, बट इट इज अवेलेबल इफ द फ्री होल्ड लैंड इज सोल्ड इंडिविजुअल। बोल रहे हैं अगर आप इंडिविजुअली बेचोगे तो बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपसे सिर्फ टैक्स बेस पूछा है, तो आप क्या करोगे दोस्तों इस केस में, आपका टैक्स बेस क्या होगा? तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अगर अपन देखें व्हाट विल बी द टैक्स बेस फॉर मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स इफ, और ये नहीं पूछा है कि भैया आप इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स कितना बनाओगे क्या बनाओगे। तो अभी अपन लिखते हैं टैक्स बेस कितना होगा, तो यहाँ पे 10 ही होगा। डेफर्ड टैक्स पूछा नहीं है पर सॉल्यूशन में दिया है, आप भी इंफॉर्मेशन देंगे क्योंकि इन्होंने पूछा फॉर डेफर्ड टैक्स ही है कितना होगा। तो कैरिंग अमाउंट भी हमारा 10 है, तो इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस है टेम्पररी डिफरेंस वो जीरो है। इफ एक्स इंटेंड्स टू सेल द लैंड इंडिविजुअली एंड नॉट ऑन स्लम बेसिस, तो फिर उस केस में ये लैंड क्या टैक्स बेस होगा? आप इंडिविजुअली बेच रहे हो तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या पीपी जो भी, और उस केस में आप इसे क्या करोगे, तो कैरिंग अमाउंट तो इसका 10 ही होगा लेकिन टैक्स बेस इसका कितना हो जाएगा बेटा, 15। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द टैक्स बेस फॉर असेट, द टैक्स बेस फॉर असेट इज द अमाउंट विच इज डिडक्टेबल इन द इनकम टैक्स लॉस इन फ्यूचर, तो 15 लाख डिडक्टेबल। इसका मतलब इस पे टैक्स टेम्पररी डिफरेंस 5 का है, जिसे हम डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस बोलेंगे। आप बोलोगे इस पे डीटीए बन सकता है प्रोवाइडेड
आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं या कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस को ध्यान में रखते हो. एक्सेस क्लासिफाइड सच लैंड इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इंटेंड्स टू सेल इट इंडिविजुअली एंड नॉट ऑन स्लम बेसिस. अच्छा ठीक है, तो ये खुद बोल रहे हैं अब यहाँ पे तो अपने को ऐसे ज्ञान देना नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पर ये बोल रहे हैं कि भैया हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रहे हैं और इसको हम इंडिविजुअली बेचेंगे स्लम बेसिस पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, 15 इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा और इधर आपकी कैरिंग अमाउंट 10 होगी, सेम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस 5 का. कैरिंग अमाउंट अगर कम होता है तो हम बोलते हैं असेट्स के केस में ये हमें इससे डीटीए बनेगा, असेट में कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो डीटीए, लाइबिलिटी में उल्टा. चलिए, एक्स लिमिटेड फॉलोज अर इवेल्युएशन मॉडल फॉर फ्री होल्ड लैंड एंड इंटेंड्स टू सेल इट इंडिविजुअली एंड नॉट ऑन स्लम सेल. तो इसका टैक्स बेस 15 हो जाएगा बट रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कैरिंग 22 हो जाएगा. तो यहाँ जो डिफरेंस है ये 7 का होगा पर ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, और ये OCI से DTL बनेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन इज OCI में जाता है. इस तरह से आपको समझाना. यो इंडेज 116 का भी अभी रिविजन लिया था बनने लाइव, हालांकि ये प्लीज है या नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप देख लीजिएगा, रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि इसलिए मतलब नहीं. ये भी रिपीट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, एप्पल ऑर्चर्ड्स का. ये भी रिपीट क्वेश्चन है इंडेज 10 का, ये नया लिखा हुआ देखते हैं. 31 मार्च 2001 द असेट्स ऑफ अ कैश जनरेटिंग यूनिट आर बीइंग रिव्यूड फॉर इंपेयरमेंट. द कैरिंग वैल्यू ऑफ द CGU नेट असेट इज 65 लाख एक्सक्लूडिंग रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन. यानी रीस्ट्रक्चरिंग वाला केस होगा, रीस्ट्रक्चरिंग में इंपेयरमेंट के प्रोविजन एक बार क्विकली रिकैप करवा दो यार. सर ऐसा है कि रीस्ट्रक्चरिंग अगर हो रही है तो आप अगर कमिटेड हो, रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट इनकर कर चुके हो तो आप रिवाइज्ड कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू यूज निकालो. पर अगर सिर्फ प्लान बना रखा है, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट अभी लगी नहीं है, कमिटमेंट आया नहीं है, तो उस केस में बिना रीस्ट्रक्चरिंग के आपके जो बेनिफिट्स होने हैं आप वो कैश फ्लोस से वैल्यू यूज निकालोगे फॉर इंपेयरमेंट चेक रिकवरेबल. लॉजिक अपन एग्जाम में सॉरी क्लास में एग्जाम्पल लेते थे कि भैया सपोज मैंने एयरक्राफ्ट खरीद लिए एयर इंडिया के और अब मैं इन एयरक्राफ्ट की सारी सीटें बदलूंगा, पतली पतली लगाऊंगा, पास पास लगाऊंगा और इसकी कैपेसिटी 10% बढ़ा दूंगा जिससे मेरा ओवरऑल रेवेन्यू पर एयरक्राफ्ट बढ़ जाएगा. उससे आगे जाके मुझे उम्मीद है कि मैं ज्यादा पैसे बना पाऊंगा, पर अभी ऐसा प्लान है, मैंने एक्चुअल में सीटें बदली नहीं. तो इस सिचुएशन में अगर आपने सीटें बदली नहीं है तो अभी जो एयरक्राफ्ट जिस स्थिति में है उससे वो क्या कमा रहा है, उससे आप उसकी वैल्यू यूज रिकवरेबल अमाउंट और इंपेयरमेंट चेक. जिस दिन आप सीटें बदल दोगे उस दिन के बाद से आप रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि कैपिटलाइज होगी वो कॉस्ट, कुछ खर्चे बुक होंगे पीएल में. ये सब इनकर होने के बाद फिर अब आप देख सकते हो कि आपके रिवाइज बेनिफिट क्या होंगे और रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लोज आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग की प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करें. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास एक जमीन है और आपको इस पे इंपेयरमेंट चेक करना है और आप सोच रहे हो बाद में एक और जमीन खरीदूंगा तो मेरा रेवेन्यू डबल हो जाएगा, तो मैं डबल रेवेन्यू के बेसिस पे इसका इंपेयरमेंट चेक थोड़ी ना करूंगा क्योंकि एक और जमीन खरीदोगे तो उसकी कैपिटल कॉस्ट भी लगेगी, आपका कैरिंग अमाउंट भी तो पड़ेगा. इसलिए जब तक खर्चा होता नहीं है, कमिट नहीं होता है, बुक नहीं होता है, तब तक हम बिना रिस्ट्रक्चरिंग के कैश फ्लोस को बेसिस बनाते हैं, पहली बात. दूसरी बात, रिस्ट्रक्चरिंग दो तरह की होती है, कैपिटल एडिशन होता है जिसमें कैरिंग अमाउंट बढ़ता है और एक रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट लगती है जिसको हम खर्चा बुक करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं. यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन की बात कर रहे हैं, देखते हैं. असेट की रिमेनिंग लाइफ 8 ईयर्स है. मैनेजमेंट अप्रूव बजट ऑन 31 मार्च इंक्लूड रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 350,000 टू बी इंक्लूडेड इन 2002 अगले साल का. रीस्ट्रक्चरिंग इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ कॉस्ट सेविंग ऑफ 1 लाख पर एनम फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स. तो 2002 में रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी और उसके एक साल बाद से फायदे शुरू हो जाएंगे. तो नॉर्मली 2002 में ये कॉस्ट लगने के बाद आप इंपेयरमेंट चेक करोगे अगर तो रीएस्टिमेटेड कैश फ्लो से करो. फॉर्मल बजट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर 3 ईयर्स टू 31 मार्च 2004. यानी कि ये 1 से 4 तक के होंगे 3 ईयर्स. जीरो ग्रोथ रेट इज अज्यूम बिकॉज कंडीशंस आर कॉम्पिटिटिव एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू. फ्यूचर कैश फ्लोज के आपको एस्टिमेट दिए हुए हैं. अभी अपन खड़े हैं 31 मार्च 2001 में, तो अगला साल ये है, 8 साल की हमारी असेट की लाइफ बाकी है, तो 8 साल के कैश फ्लोज दिए विथ रीस्ट्रक्चरिंग विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग. In 2002, the net cash flow without restructuring 870 exceed the net cash flow with restructuring by the amount of restructuring cost.
भैया विथ रिस्ट्रक्चरिंग कैश फ्लो ज़्यादा होना चाहिए थे, पर फर्स्ट ईयर में कम क्यों है? ये बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर में 3.5 लाख रुपए की हमारा कैश आउटफ्लो होगा रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट का, वो कंसिडर किया हुआ है इसमें। ठीक है भैया, जब भी कैश आउटफ्लो होगा कंसिडर होगा, तो फ्यूचर में कर रहे हो और आप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है तो आप कंसिडर कर रहे हो, तो ये माइनस कर दिया। चलो ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज हैव बीन डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 4%, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लो में इन्फ्लेशन नहीं है तो डिस्काउंटिंग रेट भी रियल रेट लिया होगा। खैर वो मतलब नहीं, अपन 4% से करें। सिंप्लिसिटी अज्यूम कैश फ्लो अराइज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो ये सारे ईयर एंड पर है, तो आपको ये सब कैलकुलेशन 31 मार्च 2001 से करना है। तो आप इस पर डिस्काउंटिंग अगर करोगे तो आप कितने समय का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 4% बट ओनली फॉर 1 ईयर, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर एंड पर। अब सवाल ये है कि मैं कौन से वाले कंसिडर करूँ, विथ या विदाउट? तो नॉर्मली रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट इनकर अगर हो गई है तो विथ, नहीं तो विदाउट। तो आपको बोला है लॉस निकालिए जब रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिकग्नाइज हो चुकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2001। हो, इस केस में तो फिर हमें क्या करना पड़ेंगे, ये वाले कैश फ्लोस लेकर। बस इसमें एक स्पेशल चीज ध्यान रखना बेटा, आप इस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, उसे कंपेयर करोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट से, और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट कितना लोगे, बस ये ध्यान रखना कैरिंग अमाउंट जो आपके एसेट का दिया हुआ है ना, उस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में आपको दोस्तों हेलो 3,50,000 रुपीज़ का रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉजिक है दोस्तों कि अगर कोई भी एसेट के ऊपर कोई प्रोविजन बना होता है तो इम्पेयरमेंट चेक करते समय हम प्रोविजन को माइनस करके नेट एसेट के कैरिंग अमाउंट को कैरिंग अमाउंट मानते हैं। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। अच्छा 15th क्वेश्चन ये देखिए, तो इन्होंने ये निकाल दिया कि भैया विथ रिस्ट्रक्चरिंग में 4% प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 6514, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हो गया है। तो इन्होंने कहा है 6514 आपका वैल्यू इन यूज है, अज्यूमिंग ये रिकवरेबल अमाउंट है, लेकिन जो CGU का कैरिंग अमाउंट है वो 65 लाख माइनस 3,50,000 जो प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है, और क्योंकि कैरिंग अमाउंट कम है तो इसलिए इंपेयरमेंट लॉस बुक कर देंगे सर। बट बेहतरीन शानदार। फिर क्वेश्चन में आगे आपको ये दिया गया है कि बताओ रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट अगर रिकॉर्ड नहीं हुई है 2001 में तो क्या करें? तो सीधी सी बात है, फिर हम ये वाले कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे 65 लाख के कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करें। तो फिर हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोस की 6273 लेंगे, 65 लाख से कंपेयर करेंगे तो इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 65 माइनस 6273। चलो दोस्तों बहुत बढ़िया है, तो ये एक और आपका क्वेश्चन हो जाता है 15th जो नया है। इंटेंजिबल असेट का रिपीट क्वेश्चन है, हालांकि इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन आप देख लेना। 17th का क्वेश्चन ऐसे थोड़ा डिफरेंट है पर सिमिलर क्वेश्चन अवेलेबल है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या। 1st October 2001 गांधी जी आने वाले हैं एक दिन बाद। XY लिमिटेड कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर जनरेटिंग फैसिलिटी, टोटल कॉस्ट वॉज 2 करोड़ एंड फैसिलिटी वॉज केपेबल ऑफ बींग यूज फ्रॉम 1st October, बट XY डिड नॉट ब्रिंग द फैसिलिटी इन टू यूज टिल 1st January। जल्दी से बताओ बेटा डिप्रिसिएशन कब से लगेगा, रेडी टू यूज की डेट या पुट टू यूज? रेडी टू यूज की डेट। यूजफुल लाइफ 40 ईयर्स, तो डिप्रिसिएशन लगाने के लिए 40 साल का पीरियड लेना है। लीगल रेगुलेशन इन द ज्यूरिसडिक्शन इन विच वी ऑपरेट आर नो रिक्वायरमेंट टू रिस्टोर द लैंड ऑन विच पावर जनरेटिंग फैसिलिटी स्टैंड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द फैसिलिटी। तो भैया रिस्टोरेशन की हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, लेकिन XY लिमिटेड एज अ रेपुटेशन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर टू रिस्टोर सिमिलर लैंड इवन इन एब्सेंस ऑफ सच लीगल रिक्वायरमेंट, तो एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा। यानी घुमा फिरा के लॉ नहीं बोलता, पर हम बहुत ही नेक इंसान है तो हम ऐसा करेंगे। डायरेक्टर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग लैंड इन 40 ईयर्स टाइम, 40 साल बाद की प्राइस पे 1 करोड़ होगा। डिस्काउंटिंग रेट 5% होगा 0.5, तो आपको 5% से डिस्काउंट करना है तो 1 करोड़ × 0.142, कैलकुलेटर से निकालूंगा तो ये आ जाएगा 0.142। वाह सर वाह। शो एंड हाउ द अबव इवेंट विल बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XY फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। इग्नोर कमेंट्स ऑन पोटेंशियल फ्यूचर रिक्लासिफिकेशन
एज इन करंट नॉन करंट, आपको सिंपली क्या करना है दोस्त, 0.142 की प्रेजेंट वैल्यू जो आपने ली है इसको आपको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा 2 करोड़, और डिप्रिसिएशन फिर आपको 6 महीने का क्या करना पड़ेगा इस 0.142 पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट है। अपन यहीं से क्वेश्चन आपको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, थोड़ा देखिए और क्या है खत्म। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें यहाँ पे करनी है, प्रोविजन 2 करोड़ का असेट, उसमें प्रोविजन ऐड करना है, तो नंबर 1 असेट 2 करोड़ प्रोविजन ऐड होगा, तो डिप्रिसिएशन टोटल अमाउंट पे लगेगा, और उधर प्रोविजन में अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होगा, ब्याज जुड़ेगा और उसकी क्लोजिंग वैल्यू आएगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, चलो आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन बस है उसमें। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है। अब इसमें है ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, हमेशा याद रखना RTP के आंसर सजेस्टेड आंसर फॉर्मेट नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन फॉर्म में होते हैं, जो चीज़ पूछते हैं उससे कई ज़्यादा चीज़ दी जाती है, तो ऐसा मत सोचना इसमें जो जो लिखा है वो सब सजेस्टेड आंसर है, यानी कि आपको एग्जाम में लिखना ज़रूरी है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल का क्वेश्चन पिछले 3 कैलेंडर ईयर से हर बार MTP में आ रहा है, बस RTP में नहीं आया था, अब आ गया, बस एग्जाम में आना बाकी, ये समझ लो 24 में आएगा, नहीं तो 25 में तो पक्का ही आना चाहिए। और ये जॉइंट अरेंजमेंट का एक आखिरी क्वेश्चन है, और RTP आपकी फिनिश, क्या बात है सर। पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड एंटर इंटू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू बाय अ बिल्डिंग विच हैज 12 फ्लोर्स, 1, 2, 3, 4 12 माले, विच दे विल लीज टू अदर पार्टीज। तो भैया पी और क्यू दोनों हाथ मिला रहे हैं, कैसे हाथ मिला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट करके। पी एंड क्यू आर ऑथराइज टू लीज 5 फ्लोर ईच, तो 5 पी के 5 क्यू के, तो 2 बज गए। दे कैन यूनिलैटरली मेक ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू रिस्पेक्टिव फ्लोर एंड एंटाइटल टू इनकम फ्रॉम दोज फ्लोर्स। तो भैया ये दोनों उनके उनके हो गए, तो कोई ज्वाइंट अरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, क्वेश्चन यही पूछेगा ज्वाइंट अरेंजमेंट है क्या, तो पूछ रहा है ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर। आगे रिमेनिंग 2 फ्लोर विल बी जॉइंटली मैनेज्ड, ऑल डिसीजन कंसर्निंग दीज 2 फ्लोर मस्ट बी यूनानिमसली अग्रीड टू द P&Q लिमिटेड, हु विल शेयर नेट प्रॉफिट और लॉसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 2 फ्लोर्स इक्वली, दैट इज दे बोथ हैव राइट टू नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शब्द है नेट असेट्स। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड टू बी अ रेलेवेंट एक्टिविटी, तो आपको बोला है ज्वाइंट ऑपरेशन है या वेंचर है क्या है, तो आप बोलोगे जो 5 फ्लोर पी के हैं ये उसकी बुक्स में PP आएगी, ये भी इसकी बुक्स में PP आएगी, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। जो ये कोई जॉइंट वेंचर नहीं, क्योंकि इसमें आप अपना अपना डिसीजन ले रहे हो। 2 फ्लोर के लिए डेफिनेटली ये जॉइंट अरेंजमेंट है। अब जॉइंट अरेंजमेंट में ये जॉइंट वेंचर होगा क्या, तो जब आपका नेट असेट में राइट होता है तो ये जॉइंट वेंचर होता है, अज्यूमिंग इट इज अ सेपरेट व्हीकल। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अपन क्लास में डिस्कस करते थे इंडेस 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट्स में कंडीशन है, एक ज्वाइंट अरेंजमेंट जिसमें ज्वाइंट कंट्रोल है तभी ज्वाइंट वेंचर होगा जब वो एक सेपरेट व्हीकल है और उसमें को वेंचरर्स का नेट असेट में शेयर है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक भी नहीं हुई तो ज्वाइंट ऑपरेशन। इसमें एक कंडीशन तो प्रूव हो रही है नेट असेट में शेयर, लेकिन सही मायने में देखू ना तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, लिखा नहीं है कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करी है या सेपरेट व्हीकल क्रिएट किया, LLP भी बना देते कुछ भी होता तो चलता, पर लिखा नहीं है पूरे क्वेश्चन में, पर इन्होंने जो आंसर दिया है वो FRA ये नए क्वेश्चन इनसे ढंग से बनते ही नहीं, तो आप ये समझ लीजिए इस पर्टिकुलर केस में इनके आंसर को रट लीजिए, बोल देना आप क्या कि ये जॉइंट वेंचर है। क्यों? क्योंकि दे हैव राइट टू नेट असेट्स ऑफ द कंपनी। मैंने मेरी तरफ से एक्स्ट्रा आपको बोला है एग्जाम में लिख देना, अज्यूमिंग इट इज क्रिएटेड अंडर अ सेपरेट व्हीकल एल्स इट विल बी अ जॉइंट ऑपरेशन। बताइए दोस्तों, इसी के साथ आपकी RTP कंप्लीट हो जाती है, और क्या चाहिए FR में आपको नवंबर 24 के लिए, बताइए। अब समय आ चुका है कि एक सुपर 200 क्वेश्चन बैंक में रिलीज कर दूं, क्योंकि RTP जब आ चुकी है तो उससे आइडिया लग गया है कि डिफिकल्टी लेवल किस तरह का दिया है यहाँ पे, तो FR की सुपर 200 क्वेश्चन बैंक नवंबर 24 के लिए बहुत ही जल्द आएगी, मई 24 जैसी ही होगी मोर ऑर लेस, पर ऑब्वियसली बात है 10% चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे कनेक्टेड, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आखिरी तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।